नमस्कार, आप खबर है मध्य प्रदेश से। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आज शुक्रवार को सुबह से गायत्री शक्तिपीठ पर 5 कुंडिया यज्ञ और संस्कार कराए गए। 11 बजे गुरु पादी का पूजन हुआ, जिसमें मुख्य उपजन प्रभारी श्री रमेश प्रसाद सोनी और गायत्री शक्ति पीठ के संरक्षक श्री श्रवण कुमार सोनी, जिसमें श्री रमेश प्रसाद सोनी जी ने आज 11 परिजनों को गुरु शिक्षा दी और सभी 200 परिजनों को प्रेस अक्षी शिक्षा दिलाई गई। उन्होंने सभी से कहा कि सभी परिजनों को गुरुदेव के सपनों को साकार हम सबको मिलकर करना है, इसलिए हम सब मिलकर गुरुजी के काम को करते रहें। साथ ही गायत्री परिवार द्वारा अखिल विश्व शांति के लिए सभी को सामूहिक रूप से 9 वर्ष तक साधना करने का संकल्प दिलाया गया, साथ ही उन्हें संकल्प पत्र भी दिए गए। इसके बाद गायत्री परिवार द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, सभी की समीक्षा और हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें विभिन्न लोग समुदाय के लोग शामिल सभी ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से ही विभिन्न संस्कार हुए, जिसमें शिक्षा 5 कुंडलीय गायत्री यज्ञ नामकरण संस्कार मुंडन संस्कार जन्मदिन पट्टी पूजन के साथ ही विभिन्न संस्कार कराए गए। आज से ही गायत्री परिवार का वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ किया गया, जिससे पूर्ण जिले में उस जगह पर पौधारोपण किया जाएगा जहां पर पानी और संरक्षण की व्यवस्था होगी, जिसमें गायत्री परिवार सदस्य युवा प्रकोष्ठ दिया संगठन समस्त परिजन उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से शैलेंद्र पाठक की स्पेशल रिपोर्ट।